यार अगर आपको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी जल्दी होती है तो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यार इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको अपने फेस पर इंस्टेंट ग्लो लाना है तो ये आप कैसे कर सकते हो? अगर बाई चांस कभी आपके फेस पर मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, रूखा सूखा लग रहा है, तो आप उसे अच्छा कैसे कर सकते हो? सिंपल सी एक ट्रिक को फॉलो करके। तो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड आज मैं आपको टॉप 5 बहुत ही बढ़िया से हैक्स बताने वाली हूँ जिन्हें मैं खुद डेली फॉलो करती हूँ। तो अगर आप इन सारे हैक्स को फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद आपकी स्किन अच्छी लगेगी। तो जल्दी से आते हैं इन पाँचों हैक्स पर और जान लेते हैं कि ये सारे हैक्स आखिर आपके किस तरह से हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो दो हैक्स की बात करने वाली हूँ वो पिंपल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हैक की। तो यार आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आपको बार बार अपने हाथों को अपने गाल पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जो हमारे फेस पर आ जाते हैं और तभी बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और कई सारे लोग ये भी बताते हैं कि आपको डेली अपने पिलो कवर को धुलना भी चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल गंदगी होती है और जिसकी वजह से हमारे फेस पर जो पिंपल्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। होता ये कि डेली देखो किसी के भी घर में पिलो कवर नहीं धुली जाती है और जाने अनजाने में उस पर बहुत ज़्यादा धूल गंदगी इकट्ठा हो जाती है, पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाता है जो सोते टाइम हमारे फेस पर आ जाता है और तभी शुरुआत होती है पिंपल्स और एक्ने जैसे स्किन प्रॉब्लम्स की। पर यार कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं बताता है कि हमको करना क्या चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। जब मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे तब मैंने इसको फॉलो किया था और कई हद तक इस चीज़ ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है मेरे पिंपल्स को ठीक करके। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये रही हमारी पिलो। आपको अपने पिलो कवर को देखो बदलते रहना चाहिए। अब जिस दिन आपके घर में पिलो कवर को धुला जाता है उस दिन आप पिलो कवर को पिलो पे चढ़ा लीजिए। उसके 2 दिन के बाद में आपको उस कवर को उल्टा कर देना है इस तरह से। अब इस उल्टे कवर को आप फिर से पिलो पर चढ़ा दीजिए। अब गंदा वाला साइड जो था वो अंदर चला गया और पिलो कवर के उल्टे साइड में जहाँ वो साफ था वो बाहर की तरफ आ गया। बस अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो 4 से 5 दिन तो निकल ही जाएंगे। उसके बाद में आप पिलो कवर को फिर से धुल लीजिए। तो एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जो कि आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है, तो आप इसको जरूर करना। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे हैक की। यार आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो आप जिस भी टॉवल से अपने फेस को पोंछते हैं आपको उसको तुरंत धुल देना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी अपनी कई सारे वीडियोस में आपसे ये कहा है। लोग ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, आप किसी टॉवल से अपने फेस को पोंछते हो तो आपके फेस पर जो बैक्टीरिया होगा वो उस टॉवल पर चला जाएगा। अब दूसरी बार जब फिर से आप उस टॉवल से अपने फेस को पोंछोगे तो जो बैक्टीरिया आपके फेस से निकल के टॉवल पर चला गया तो वो फिर से आपके फेस पर आ जाएगा और अब पता नहीं वो बैक्टीरिया आपके फेस पर कहाँ पर लग जाए तो पिंपल फिर वहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह से होता क्या है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। बट यार अगर देखा जाए ना तो टॉवल को तुरंत धुलना पॉसिबल नहीं क्योंकि यार टॉवल है, कोई हैंकी नहीं है, छोटा सा कपड़ा नहीं है कि आप उसको तुरंत धुलोगे और 10 मिनट में सूख भी जाएगी। बहुत टाइम लगता है टॉवल को सूखने में। तो इस वक्त आपको आखिर क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है, आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। जिन लोगों को पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको क्या करना है। तो अब से आप जब कभी भी अपने चेहरे को धुलते हैं तो आपको गमछे से अपने चेहरे को पोंछना है। इसका कपड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है तो अगर आप इसे धुलते भी हो तुरंत तो बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है। तो मतलब सुखाने का आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगा और प्लस आपका चेहरा जो होगा वो क्लीन भी हो जाएगा। तो तौलिए को बोल दीजिए बाय और यस कहिए गमछे को। यार अगर आप में से किसी को भी याद हो ना तो हम सब बचपन में एक चीज़ कर चुके हैं, पता है क्या? जब पहले हमारे घर पर कोई मेहमान आता था ना तो उनके सामने हम ऐसे नहीं जाते थे, हम ये दिखाना चाहते थे कि हाँ हम भी बहुत ही सुंदर हैं। हम पहले चेहरे पर क्रीम लगाते थे, पाउडर लगाते थे, उसके बाद ही उनके सामने जाते थे। यार अभी ये सारी चीज़ें सोचो ना तो बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकतें लगती है और बचकानी हरकतें हैं भी, हो सकता है कुछ लोगों के साथ अभी भी ऐसा होता हो। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी घर पे आ जाए तो हमें अपने चेहरे को अच्छा तो दिखाना होता है और मेकअप करके भी हम नहीं जा सकते हैं। यार कोई मेहमान ही आया है, ससुराल वाले देखने नहीं आए कि हम खूब सारा मेकअप करके चले जाए। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए कि बिना मेकअप के ही आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो इसके लिए मेरे पास एक इतना अच्छा सा सॉल्यूशन है, इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप उसको तुरंत फॉलो कर सकते हो और आपका चेहरा अचानक से इंस्टेंट ग्लोइंग लगने लगेगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखो यार चेहरे को बहुत ही अच्छा करने के लिए आपको खूब ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुलना है। आपको बर्फ़ का पानी लेना है चेहरे को धुलने के लिए। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर अपने फेस पर उससे मसाज भी कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े एक कटोरे में निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। अब जब तक वो पानी अच्छी तरीके से पिघल नहीं जाता आप उसे ऐसे रख दीजिए। फिर उस खूब ठंडे पानी से आपको अपने चेहरे को धुलना है। एक बार याद रखो कि जितना ठंडा पानी होगा उतना ही अच्छा लगेगा आपका चेहरा। आपने चेहरा धुला, अपने चेहरे को पोंछ लिया, उसके बाद में आप अपने चेहरे को देखिए, इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, अचानक से ग्लोइंग लगने लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपको वीडियो में जैसे समझ में भी आ रहा होगा, आप ये अभी करके देखिए। आपको वाकई में अच्छा रिजल्ट ना मिले तो आप मुझसे कहना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अभी मैं जिस हैक की बात
करने वाली हूँ ना, इससे लड़कियाँ बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यार कभी कभी होता है ना कि हम मेकअप करते हैं, कुछ अपने चेहरे पर लगाते हैं, कोई फाउंडेशन या फिर कोई क्रीम, तो यार लगाने के बाद भी हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता है, रूखा सूखा लगता है, लगता है कि कोई चीज़ कहीं ज़्यादा लग गई है, कहीं बहुत ही कम लग गई है, फ्लॉलेस लुक नहीं आता है। तो समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। अब ये जो मैं हैक बताने वाली हूँ ना, ये सभी लड़कियों को पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको क्या करना है। तो देखो, आपको लेना है एलोवेरा जेल, आपने थोड़ा सा हाथ में निकाला और पूरे चेहरे पर लगा लिया। ये स्किन में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो आपको मार्केट वाला यूज़ करना है। इसके बाद में आपने अपना कोई फाउंडेशन ले लिया या फिर कोई भी क्रीम और अपने पूरे चेहरे पर लगा ली। लगाने के बाद ही आपका चेहरा इतना स्मूथ लगने लगेगा, फ्लॉलेस लुक आएगा। तो आप चाहो तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकती हैं और ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी इसको करती हूँ। लड़कियों की ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है और कुछ टाइम के बाद भी आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। अच्छा यार, आप लोगों ने फेस मिस्ट का नाम तो सुना ही होगा ना, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग मेकअप में इसका यूज़ कर रहे हैं, और आपने टोनर का नाम भी सुना होगा। अब अगर देखा जाए तो ये फेस मिस्ट और टोनर दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं आपको कुछ ऐसा बना के दिखाती हूँ जिसे आप एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं और आप एज अ फेस मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा, आपको कितना फ़ायदा होगा? आपको कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, दो दो चीज़ों में आपके पैसे फंसेंगे नहीं, आप पैसे काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हो, घर बैठे बैठे इस चीज़ को आराम से बना सकते हो, फिर दोनों तरीकों से आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। जल्दी जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको इस चीज़ को कैसे बनाना है। हमें लेना है गुलाब। अब इनकी पत्तियों को अलग करके हम इसे बाउल में डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे। अब इसके बाद में हम रख देंगे इसे गैस पर। अब जब तक पानी खोल नहीं जाता, आपको गैस को बंद नहीं करनी है, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप पानी का कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज भी होने लगेगा, जैसे गुलाब की पत्तियों का कलर होता है वैसे ही पानी भी हो जाएगा। अब इसके बाद में बस आप गैस को बंद कर दीजिए और बाउल को नीचे उतार दीजिए। अब आप एक क्लीन कंटेनर ले लीजिए और इसका जो भी पानी है आप क्लीन कंटेनर में डाल के रख दीजिए। बस बन गया हमारा फेस मिस्ट, या फिर अगर आप चाहो तो आप इसे टोनर भी कह सकते हो। अब आप जिस तरह से चाहो इसका यूज़ कर सकते हो। तो यही थे आप मेरे आज के टॉप 5 हैक्स। आई होप आपको ये पसंद तो आया होगा वीडियो, और पसंद आना भी चाहिए। इतनी अच्छी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, सिंपल सी है बट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ना, कि अगर आप इनको फॉलो करने लगोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, आंचल ने कुछ बड़ा ही कमाल का बताया है। बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको जब आप इसको फॉलो करने लगोगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना। 5 हैक्स में से सबसे अच्छा हैक आपको कौन सा लगा ये ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो ये भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलो, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।